सन विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू, मैं आज बच्चों के लिए हिंदी ग्रामर लेके आई हूँ। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है प्रत्यय। क्या है प्रत्यय? तो बच्चों, प्रत्यय प्रत्यय किसे कहते हैं? दो शब्दों से मिलकर प्रत्यय शब्द बना है। दो शब्द क्या है? प्रति जुक्ता अय प्रत्यय। ध्यान दो, प्रत्यय का दो शब्द से मिलकर प्रत्यय बना है। दो शब्द क्या है? प्रति जुक्ता अय प्रत्यय। तो बच्चों, प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में लगता है। तो प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में। अय का अर्थ है चलने वाला। ध्यान रखो, प्रति जुक्त अय प्रत्यय। प्रति का अर्थ है साथ में यानी बाद में। अय का अर्थ है चलने वाला। देखो, तो हमें जानना है कि प्रत्यय का परिभाषा क्या है, यानी प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? ना वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगने पर लगता है, और शब्द के जो अंत में लगता है और लगने पर उसके अर्थ में बदलाव आता है, यानी उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। बच्चों, प्रत्यय किसे कहते हैं? ना जो शब्दांश शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगने पर एक नया शब्द बन जाता है, यानी शब्द में परिवर्तन आता है, बदलाव लाता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। उदाहरण देखो, उदाहरण है बच्चों, देखो ये है एक शब्द, हाँ शब्द है दुकान। तो दार है एक अंश, माने शब्दांश। शब्दांश का अर्थ है शब्द के अंश को शब्दांश कहा जाता है। तो ये दार क्या है? शब्दांश है, यानी शब्द के कुछ अंश है दार। तो शब्द आया दुकान और दार आया उसका अंश। तो दुकान के साथ अंश मिलने से क्या हुआ? दुकानदार हुआ। बच्चों ध्यान दो, दुकान है एक शब्द। मैंने कहा जे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या बदलाव लाता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। तो दुकानदार हुआ उसका अंश, दुकान ये मूल शब्द, दुकान के साथ दार मिलाने से हुआ नया शब्द, उसे कहते हैं, ये है हमारा नया शब्द। और ये जो अंश है शब्द के, जो अंश है दार, उसे कहते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर दुकानदार में प्रत्यय कौन आया? दार। समझ में आया? देखो, यहाँ पर कुछ मूल शब्द दिए गए हैं, हम इसमें क्या करेंगे? प्रत्यय जोड़ेंगे, यानी शब्द के अंश को जोड़ेंगे, उसे कहते हैं प्रत्यय ना। तो हम उसमें प्रत्यय जोड़कर एक नए शब्द बनाएंगे। देखो, यहाँ पर दिया दुकान, दुकान के साथ हम प्रत्यय जोड़ेंगे दार। दार क्या है? शब्द के कुछ अंश है, उसे ही कहते हैं प्रत्यय। दुकान के प्लस दार मिलाने से क्या हुआ? दुकान दार। वैसे जादू, जादू के साथ हम गर प्रत्यय को जोड़ेंगे, तो जादू के साथ घर जोड़ने से क्या हुआ? जादूगर, जादूगर, जादूगर हुआ। इसी तरह धन, धन के साथ हम प्रत्यय क्या जाएंगे? वान प्रत्यय जोड़ेंगे। वान प्रत्यय जोड़ने से हुआ धनवान। वेरी गुड। वैसे या सफल, सफल के साथ हम क्या करेंगे? ता प्रत्यय जोड़ेंगे, तो आंसर आएगा, यानी शब्द नया शब्द बनेगा सफलता। यहाँ पर आया घबरा, घबरा के साथ हम आहट प्रत्यय जोड़ेंगे। आहट, घबर के साथ आहट प्रत्यय जोड़ने से आएगा घबराहट, घबराहट। तो बच्चों, ये जो प्रत्यय है दार, गर, वान, ता, आहट, ये सब शब्द के अंश है, उसे ही कहते हैं प्रत्यय। समझ में आया? नेक्स्ट और कुछ उदाहरण दूंगा। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा, ये सब क्या है? ये है हमारे मूल शब्द। क्या है? मूल शब्द। और ये क्या है? ये है हमारे प्रत्यय।
बन जुकता आपट क्या होगा? बनावट। चुन जुकता आप चुनाव। मानव जुकता ता मानवता। पर्वत चुकता ये पर्वत ये पर्व। बच्चों बड़ी की मात्रा है, हम यहाँ पर बड़ी लिखेंगे पर्व ये। अच्छा जुकता आई अच्छाई। देखो और कुछ उदाहरण है, हम यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए। यहाँ पर प्रत्यय दिया गया है, मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ने से हम नए शब्द बनाए। अब हम सीखेंगे जे शब्द में से प्रत्यय को कैसे हम छांट कर लिखेंगे। तो बच्चों प्रत्यय को अलग करके लिखते हैं बचपन। बचपन से मूल शब्द क्या आएगा, प्रत्यय क्या आएगा? बचपन से बच्चा जुक्त पन, तो आया बचपन। यहाँ पर आया मूल शब्द है बच्चा और पन है हमारा प्रत्यय यानी शब्द के अंश। तो प्रत्यय कहाँ पर लेते हैं? शब्द के अंत में लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़े थे कि उपसर्ग कहाँ पर लेते हैं? शब्द से पहले लेते हैं। उपसर्ग शब्द के बाद में जो शब्द लेते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय, ये याद रखो। तब उसके बाद दिया अकेलापन। अकेलापन अकेला जुता पन, तो पन आया प्रत्यय, अकेला आया शब्द। कालापन काला जुता पन। गर्मी गर्म प्लस ई बड़ी ई। कटाई कटे जुता यानी प्लस आई कटाई। मिलावट मील जुक्त आवट मिलावट। वीरत्व वीर प्लस त्व वीरत्व। तो बस बच्चों अब समझ में आया। तो बचपन है हमारा नया शब्द, उसमें बच्चा आया मूल शब्द, पन आया प्रत्यय, अकेलापन में अकेला आया है क्या है मूल शब्द और पन है प्रत्यय। तो गर्मी गर्मी में मूल शब्द आया गर्म और ई आया प्रत्यय। तो कटाई कटाई में आई आया प्रत्यय। तो बच्चों अब कहो गर्मी गर्मी में प्रत्यय कौन है? ई। कटाई कटाई में प्रत्यय आई कट जुक्त आई, आई है हमारा प्रत्यय। वीरत्व वीरत्व में तो आया हमारा प्रत्यय। मिलावट मिल है मूल शब्द और आवट है प्रत्यय। तो यहाँ पर बचपन में पन आया प्रत्यय, अकेलापन में पन, कालापन पन, गर्मी ई, कटाई आई, मिलावट आवट, वीरत्व त्व। तो अब समझ में आया प्रत्यय किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़े उपसर्ग क्या कहते हैं ना। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में आते हैं। और ये जो ये है हमारा मूल शब्द में के बाद जो शब्द लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय, और मूल शब्द के पूर्व में जो शब्द लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग। तो बच्चों हमें ये हमें याद रहा कि ये शब्दांश होते हैं, ये मूल शब्द में शब्दांश जोड़ने से प्रत्यय नया शब्द बनता है। तो शब्दांश किसे कहते हैं? शब्द के अंश को शब्दांश कहते हैं, जो हमें समझते हैं प्रत्यय, शब्दांश को ही प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों आज का हमारा प्रत्यय, नेक्स्ट क्लास में मैं और कुछ व्याकरण लेके आई हूँ। धन्यवाद। Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda Ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir Group of Institutions.